हेलो एवरीवन वेलकम टू और चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट तो हम अपनी एमए सोशियोलॉजी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे हम एम एस ओ टू जो है वो कर रहे हैं एम एस ओ वन की दो यूनिट ऑलरेडी मैं कंप्लीट अब तक करा चुकी हूँ एम एस ओ फोर का हमने एक अभी यूनिट का एक ही टॉपिक करा है बहुत जल्द जल्द मैं उसका आपका नेक्स्ट पार्ट भी जो है वो अवेलेबल कराऊंगी आपके पास और यहाँ पे हमारे पास हम कर रहे हैं आज एम एस ओ टू का सेकेंड पार्ट एम एस ओ टू की यूनिट वन में हम लोग क्या कर चुके थे यूनिट वन में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे सोशल रिसर्च एग्जैक्टली क्या होता है ठीक है अब हमें देखना है कि जो सोसाइटी है वो किस तरीके से साइंटिफिक रिसर्च लॉजिक की आप लोग बात कर रहे हो तो किस तरीके से वो इन सब चीजों से लिंक है क्लियर तो अब बात करते हैं कि कैसे सोशोलॉजी एक साइंस ऑफ सोसाइटी है मतलब कैसे ये समाज का विज्ञान है अब बहुत सी चीजें मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी कोशिश कर रही हूँ जैसे कि आप कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट करा था कि मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड करूँ कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मैं हिंदी में भी यहाँ पे लिख रही हूँ हंड्रेड परसेंट सब कुछ हिंदी में नहीं लिख पाऊंगी बट एज यू कैन सी कि काफी हद तक चीजें मैं हिंदी में लिखने की कोशिश कर रही हूँ और मैं बोलती हूँ तो मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में समझा रही हूँ तो आई होप ये आपकी हेल्प करेंगी चीजें ठीक है तो अब हम बात करते हैं कि हाउ इट इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी देखो सिंपल सी बात है अब आपको सोसाइटी को आपको सोशोलॉजी को साइंस से लिंक करना है यहाँ पे जो हम आज की क्लास में पढ़ रहे हैं उससे तो हम बात करेंगे जो एरिस्टोटल थे इन्होंने क्या करा था ये फर्स्ट लॉजिशियन थे और अस्तु, पहले लॉजिशियन पहले तार्किक थे जिन्होंने रीजनिंग का कंसेप्ट जो है वो सामने लेके आया था ह्यूमन माइंड में कि जो चीज़ आपको अब वॉट इज हैंडेड टू अस बाय ट्रेडिशन और कल्चर आपको जो चीज़ कल्चर रिलीजन ट्रेडिशन से मिल गई आप आंख बंद करके अंधविश्वास की तरह सुपरस्टिशियस तरीके से उसको फॉलो करते आ रहे हो आपको पता नहीं है वो चीज क्यों हो रही है क्या रीजन है कैसे exactly होनी है बस यू आर फॉलोइंग बिकॉज आपके रिलीजन आपके कल्चर आपके ट्रेडिशन में वो बातें आपको बोल दी गई हैं एंड यू आर डूइंग दैट उस टाइम पे ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी बहुत ज़्यादा ये माना जाता था कि ये जो पूरा वर्ल्ड है भगवान की देन है ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट जो भी सारी चीज़ें हैं आसपास सब जो है वो गॉड की क्रिएशन है पूरी तरीके से लोग जो थे वो सुपरस्टिशियस पे बिलीव करते थे तो यहाँ पे धीरे धीरे ओवर द पीरियड पीरियड ऑफ टाइम लोगों में साइंटिफिक टेम्परमेंट जगा लोगों ने इंक्वायरी करनी स्टार्ट की लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया इंक्वायरी करनी स्टार्ट की क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट की लोगों ने लॉजिक लगाना स्टार्ट किया तब जाके यहाँ पे हमें सोशलॉजी का कुछ कंसेप्ट जो है वो देखने को मिला क्योंकि तभी हमने देखा कैसे जो ह्यूमन बीइंग है ये रिलेटेड है कैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है पहले क्या था पहले तो हमने मान लिया कि सब कुछ गॉड की क्रिएशन एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग वो जो है कौन कर रहा है भगवान कर रहे हैं तो यहाँ पे इस चीज़ में डिफरेंस आता हुआ हमें दिखा यहाँ पे हम इस चीज़ का ओरिजिन नहीं देख रहे हैं कि किसने पहले स्टार्ट किया प्लाटो ने करा महाभारत के एपिक्स लेके हम एग्जांपल नो वी आर नॉट लुकिंग फॉर दैट हम क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि लॉजिक ऑफ सोशल इंक्वायरी क्या चीज़ है हम यहाँ पे सामाजिक जो शोध है सोशल इंक्वायरी सोशल सर्च जो रिसर्च है उसके तर्क को समझेंगे अब देखो क्या है पहले के समय में क्या चीज़ आज भी बल्कि पहले क्या आज भी लॉजिक और रिलीजन जो है वो कई बार क्या होते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है किसमें लॉजिक और रिलीजन में ये आज देखो आज भी है तो उस समय तो कितना ज़्यादा होगा क्योंकि तब तो साइंटिफिक टेम्परमेंट और लॉजिकल वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और ऐसा नहीं है कि इंडियन सोसाइटी की बात है बाहर की कंट्रीज़ में भी रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी वो सुपरस्टिशियस पे चलती आ रही थी ठीक है तभी हमने देखा ना फिर एनलाइटमेंट का कंसेप्ट आया जिस वजह से सोशोलॉजी जो थी वो इवॉल्व होनी स्टार्ट हुई थी तो लॉजिक वर्सेस रिलीजन लोग लॉजिक नहीं लगाते थे और जो लोग लॉजिक लगा रहे हैं कहा जाता था वो रिलीजन को डिग्रेड कर रहे हैं वो रिलीजन की वैल्यू नहीं कर रहे हैं वो रिलीजियस्टिक जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उनको क्या कर रहे हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये लॉजिक और रिलीजन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय से चला आ रहा है नॉट इन द इंडियन सोसाइटी बट एट द वर्ल्ड लेवल पूरे वर्ल्ड की बात है ये सिर्फ यहाँ पे अभी हम इंडिया की तो बात कर ही नहीं रहे हैं ठीक है फिर कहा जाता है कि रिनाइंसेंस के साथ पुनः जागरण के साथ ये एक्सेप्ट कर लिया गया जैसे जैसे रिनाइंसेंस वाला टाइम हमें देखने को मिला तो ये चीज एक्सेप्ट कर ली गई कि जो सोसाइटी है इट इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ गॉड बट अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग जो हम मानते आ रहे हैं कि एवरीथिंग इज डन बाय गॉड सब कुछ जो है इवोल्यूशन और ये सब भगवान के थ्रू हो रहा है लोगों ने यह स्वीकार कर लिया कि समाज भगवान द्वारा रचित नहीं बल्कि मानव जाति द्वारा सृजित एक सृष्टि है तो ये रिनाइंसेंस क्या था देखो रिनाइंसेंस जो है वो एक पीरियड एक टाइम पीरियड है मतलब उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं रिलायंसेंस वाला एरा था ये जो यूरोपियन हिस्ट्री में जब वहां पे मिडिल एजेस वाला टाइम जो है वो क्या मॉडर्निटी में चेंज हो रहा था जब हमें मिडिल एजेस से से मॉडर्निटी वहां वहां देखने को मिली यानी सेंचुरी सेंचुरी तक का ये टाइम टाइम था इस टाइम पे, वहां पे बहुत सारी आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज हुई इंटेलेक्ट मतलब लोगों ने क्वेश्चनिंग रीजनिंग यही सब चीजें इंक्वायरी करना लॉजिक लगाना जो था वो स्टार्ट कर दिया था अब देखो लॉजिक क्या होता है एक जना क्वेश्चन अब बहुत से लोग काफी चीजें करते आ रहे थे बट आप देखो मैं अगर गॉड मूवी मूवी देखने के बाद बहुत सी चीजें हम लोगों ने भी क्वेश्चन करनी स्टार्ट की कि ऐसी हुई जो हमने करनी स्टार्ट की, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, मतलब, है ऐसी चीजों का और ये भगवान के नाम पे, ये तो किसी और की भर रही है बहुत सी एक्टिविटीज ऐसी हमें जो है वो देखने को मिलती हैं ठीक है तो यहाँ पे आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज की हम बात करेंगे स्टार्ट हो चुकी थी ठीक है उसके बाद हम बात करें सोशोलॉजी साइंस अब यहाँ पे क्लियर कट आप जो हमें समझाने की कोशिश की गई है सोशोलॉजी साइंस से कैसे रिलेटेड है सोशोलॉजिकल मेथड हम थोड़ा सा बुक में जितना लिखा है उससे एक दो ज्यादा ही बात कर लेते हैं और इजी लैंग्वेज में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ठीक है साइंस क्या होता है ये देखते हैं देखो कुछ सोशोलॉजिस्ट ने यहाँ पे बहुत से टर्म्स यूज करे हैं साइंस के वे में कि सोशलॉजी साइंस है सोशोलॉजी में हम साइंस के कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं तो कुछ सोशोलॉजिस्ट ने सोशलॉजी के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज़ करे हैं अब इन अगेन आई एम सेइंग वर्ड की बाल की खाल नहीं निकालनी है ये एज ए एग्जाम्पल आप अपने आंसर्स में बस यूज़ कर सकते हो ठीक है अब ये पढ़ने बैठ जाओगे तो अलग से पूरा टॉपिक यही बन जाएगा फिर तो ये चीज़ नहीं करनी है ठीक है अगस्त कॉम्टे ने इसको स्टैटिस्टिक एंड डायनेमिक्स कहा है हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको ऑर्गेनिज्म एनोलॉगी कहा है डरकेम ने इसको मॉरल डेंसिटी एंड वॉल्यूम कहा है सेंट साइमन ने इसको सोशल फिजिक्स कहा ये सब जो आप वर्ड देख रहे हो दीज ऑल आर साइंटिफिक वर्ड तो इससे क्लियर होता है कि सोशोलॉजिस्ट ने इसकी साइंटिफिक बेसिस पे भी स्टडी जो है वो की है अब जब आप किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हो कि साइंस से मैं कह रही हूँ कि सोशोलॉजी इज अ साइंस तो सबसे पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली साइंस इज साइंस एग्जैक्टली क्या है तभी तो मैं कह पाऊंगी कि साइंस ये है और सोशोलॉजी में भी ये सारी चीजें होती हैं येस दैट्स वाई सोशोलॉजी इज अ साइंस राइट तो हम यही देखते हैं कि जो साइंस होती है उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं जो भी चीज़ें होती हैं वो यूनिवर्सली वैलिड होती हैं साइंस में जितनी भी चीज़ें हैं वो यूनिवर्सल अब न्यूटन के लॉज और ये सब मैं ग्रेविटी का कंसेप्ट आपको जो बता रही थी मैंने मल्टीपल क्लास में रिपीट करी है ये बात ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में है या सिर्फ अमेरिका में है इट इज़ मतलब इक्वली एप्लीकेबल इन ऑल द कंट्रीज हर कंट्री में ही हमें देखने को जो है वो मिलता है प्लस साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं उनका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि उनका कुछ कारण होता है और उसके बाद आपका कुछ रिजल्ट निकल के आता है आप स्टडी करते हो एक्सपेरिमेंट करते हो उस चीज़ पे बार बार मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करते हो और उसके बाद अपनी जो रिजल्ट है वो क्या करते हो फ्रेम करते हो मतलब इन सब चीज़ों के बेस पे हम क्या करते हैं थ्योरी फ्रेम करते हैं और एक थ्योरिटिकल ओरिएंटेशन हमें साइंस की फॉर्म में देखने को मिलती है कि दिस इज़ द थ्योरी ये जो है ये पर्टिकुलर एक थ्योरी है एंड द थिंग्स विल हैपन इन दिस वे इस तरीके से चीजें होंगी जब हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो ये चीज होगी ठीक है तो ये सारे कंसेप्ट जो होते हैं ये साइंस में हमें देखने को मिलते हैं प्लस क्वांटिटेबल इन्फॉर्मेशन मतलब नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में मात्रात्मक होता है ये न्यूमेरिक फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन होती है साइंस में वो न्यूमेरिक फॉर्म में होती है कोई चीज़ अच्छी है बुरी है चीज नहीं देखी जाती बट कि, कितनी एफिशिएंट है तो वो न्यूमेरिक फॉर्म में नंबरिक फॉर्म में आप उसको काउंट करते हो साइंस में प्लस ये जो चीजें होती है साइंस की जो भी प्रिंसिपल्स या जो भी थ्योरीज हैं वो ऑब्जेक्टिविटी पे बेस होती हैं ऑब्जेक्टिविटी वर्ड जब भी आपके सामने आ जाए तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि फ्री फ्रॉम बायस ये भेदभाव से परे होती हैं ठीक है ये चीज जो होती है ये भेदभाव से परे होती है ऐसा नहीं है मैं अपने पर्सनल जजमेंट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अपना पर्सनल कुछ भी मत यहाँ पे दे दूंगी जब भी चीजें सब्जेक्टिव होती हैं देखो जब भी ऑब्जेक्टिव क्या होता है दिमाग में लव वर्ड अगेन आई एम से जिसको सोशोलॉजी की बेसिक सी नॉलेज भी है ना वो कुछ ऐसे छोटे मोटे एग्जाम्पल जो है उसको इग्नोर कर दिया करो आप रीड करके बाकी मेन कंटेंट समझा करो बिकॉज मुझे उन लोगों के हिसाब से भी सोच के चलना है जो लोग बिल्कुल न्यूली इस चीज को पढ़ रहे हैं ओके तो मेरा काम है कि जो है बिल्कुल ऐसा बच्चा जिसको नहीं भी आता कुछ भी अब तक कुछ बैकग्राउंड नहीं है उसको भी ये चीज समझ में आनी चाहिए सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस देखो ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है ऑप्शंस वाली चीजें तो ऑप्शंस वाली चीजों में आंसर क्या होता है एक ही आंसर है ना या, या तो ये होगा या तो फिर मतलब आपका सही होगा अगर आपने कुछ मार्क करा है गलत होगा वहीं जब आंसर सब्जेक्टिव लिखना होता है हम कहते हैं कुछ भी बना बना के लिख देंगे कितना भी एक्सप्लेन कर देंगे राइट सब्जेक्टिव में आप अपने अकॉर्डिंग चीजें जो है वो प्रेजेंट कर सकते हो बट ऑब्जेक्टिव में नहीं कर सकते हो चीजें तो दैट्स वाई ऑब्जेक्टिव में भेदभाव के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं वहीं सब्जेक्टिव में आप अपने ओपिनियन और व्यू पॉइंट और बायसनेस जो है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकती है तो ये सब चीजें साइंस में प्रेजेंट होती है और जब मैं कह रही हूँ कि सोशोलॉजी एक साइंस है ठीक है लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब साइंस के uh, जो है ब्रांचेज हैं जब मैं कह रही हूँ सोशोलॉजी एक साइंस है तो हाउ विल आई से दिस कि सोशोलॉजी में भी जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली वैलिड होते हैं हर जगह सोसाइटी एग्जिस्ट करती है हर जगह ग्रुप है तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो हर जगह पर एग्जिस्ट कर रही हैं हम सोशोलॉजी में भी अलग अलग तरीके की रिसर्च करते हैं इन्फॉमेसन कलेक्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा लाइक डेमोग्राफी का एग्जाम्पल हो तो सेंसस हम कलेक्ट कर रहे हैं प्लस थ्योरीज होती हैं अभी हम थ्योरी फॉर्मोलेशन पढ़ भी रहे हैं दूसरी बुक में अपनी कि थ्योरीज़ कैसे फॉर्म होती हैं सोशोलॉजी में तो ये सोशलॉजी में भी होता है प्लस इसके प्रिंसिपल्स भी कई हद तक कई बार चीज़ें ऑब्जेक्टिव होती हैं तो ये मैंने कहा कि ये सोशलॉजी जो है वो साइंस है इस इस तरीके से मैंने इसको प्रूफ करा बट अब मैं कह रही हूँ नो इट इज़ नॉट अ साइंस तो मैं इन्हीं पॉइंट की कुछ कमियाँ गिना दूंगी कि येस सोशोलॉजी आप कह रही यूनिवर्सल वैलिड है बट नो no, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं इसके जो रिजल्ट है वो हर जगह यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं होते हैं मतलब हर जगह की सोसाइटी हर जगह का कल्चर हर जगह की वैल्यूज़ हर जगह का जो भी uh, थ्योरीज वगैरह है वो डिफर होती हैं और जो ये चीज़ें होती हैं सोशल सोसाइटी से रिलेटेड वो पर्सन टू पर्सन मतलब वो ह्यूमन टू ह्यूमन जो है वो डिफर भी करती हैं हर ह्यूमन सेम रिस्पोंड करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं होता ठीक है हर चीज क्वांटिफिएबल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं की जा सकती हर चीज़ फैमिली वैल्यू अटैचमेंट बॉन्ड ये सब कुछ आप नंबर में तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हो ना ठीक है वो बचकानी बातें जो वो लव परसेंटेज निकालते हैं दिस लव्स दिस बट That, ये जो सब चीजें हैं फैमिली इमोशंस फीलिंग लव वैल्यूज ये सब चीजें हम ये मैरिक फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते एंड दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी वही सोसाइटी में चीजें जो होती हैं वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी से ज्यादा हमें सब्जेक्टिविटी का कंसेप्ट भी देखने को मिलता है बाकी ऑब्जेक्टिविटी वगैरह आगे हम करेंगे अभी डिटेल में ठीक है ये जो सब बाकी जो डिटेल में देखो अगस्त कॉम्प्टे वॉज द पर्सन जिन्होंने सोशोलॉजी को फाउंड करा टर्म को ये इस तरीके से समझ में आया हमें अगस्त कॉम्टे वॉज द पर्सन उन्होंने सोशोलॉजी को फॉर्म करा और अभी अगली क्लास में हम लोग कॉम्टे के बेसिस पे और ज्यादा डिटेल में फोकस डालेंगे सोसाइटी एज अ साइंस के ऊपर मतलब हम कॉम्टे के वर्क को बहुत डिटेल में एनालाइज करके जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक वही है तो अब मैंने आपसे बहुत सारे फेवर में पॉइंट भी बोले मैंने आपको अगेंस्ट में भी प्रूफ करा तो यस मैं कह सकती हूं कि मेरे पास फेवर और अगेंस्ट दोनों में पॉइंट है तो यस सोशोलॉजी इज अ साइंस और आई कैन ऑल्सो से दैट सोशलॉजी इज नॉट अ अस अब एक कॉमन कंक्लूजन पे तो पहुंचना है हाँ या ना दोनों बातें करके उलझाओ तो मत तो यस आई कैन से दैट सोशलॉजी इज नॉट अ कंप्लीट साइंस ये नॉट अ नेचुरल साइंस लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री जो अदर ब्रांचेज हैं सोशोलॉजी इज़ नॉट अचुरल साइंस लाइक अदर ब्रांचेज ऑफ द साइंस लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो यू कैन से ठीक है बट इट इज़ अ ह्यूमन साइंस कि ह्यूमेनिस्टिक और रिफ्लेक्सिव साइंस है ठीक है तो ये पूरी तरीके से नेचुरल साइंस नहीं है तो आई होप सोशलॉजी और साइंस का कंसेप्ट आपको बहुत डिटेल में क्लियर हो गया होगा इतना पॉइंट आप लोग अपने पास लिख लीजिए और इसको प्रॉपर्ली आज के आज में ही याद कर लीजिए बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कंसेप्ट इसका देखेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्प्टे का क्या वर्क है सोशलॉजी को लेकर एज अ साइंस को लेके बेसिकली Okay, so that's all for today. Thank you for watching.